हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज हम देखेंगे एग्री करंट एक्सप्रेस सीरीज के अंतर्गत एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एमएमटी मींस मेगा मॉक टेस्ट विद कंप्लीट एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जून पार्ट थर्ड। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसलिए मित्रों, कभी भी हमें निंदा से विचलित नहीं होना है और निरंतर अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 2016। इसके बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि भारत में पहली बार फसल बीमा योजना हेतु किया गया प्रयास क्या था। जी हाँ, पहली बार भारत में फसल बीमा योजना के लिए 1 अप्रैल 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे इंग्लिश में CCIS भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। बाद में इसका नाम बदलकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कर दिया जाता है 1999-2000 के समय में। ठीक है, पहले इसका नाम राष्ट्रीय व्यापक फसल बीमा योजना था, बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999-2000 में कर दिया जाता है। ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत रबी मौसम में होती है। ठीक है, उसके बाद 2004 और 5 में इसे खरीफ फसल पर भी लागू किया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रही है, जिसकी शुरुआत 2016 से होती है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरुआत 2016 खरीफ सीजन से। कवर क्रॉप, इसके अंतर्गत कवर क्रॉप हैं सभी दलहन तिलहन व्यापारिक एवं बागवानी फसलें। और इसका जो प्रीमियम रखा गया है किसानों के लिए, खरीफ फसल पर प्रीमियम है जो किसानों को देना है 2% है, रबी फसल पर प्रीमियम 1.5% है, और बागवानी फसलों या व्यावसायिक फसलों पर इसका जो प्रीमियम है वो 5% रखा गया है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, खरीफ फसल पर प्रीमियम क्या है और रबी फसल पर प्रीमियम क्या है। साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे बागवानी फसलों पर प्रीमियम इसका 5% निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉयल हेल्थ कार्ड पर मृदा के कितने पैरामीटर की जांच होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए 12, बी 15, सी 17,
डी 18। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए। 12 पैरामीटर्स हैं जो मृदा जांच के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, जिसमें एन पी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, इसके अलावा माइक्रो सूक्ष्म MICRO माइक्रो के अंतर्गत जिंक, फेरस, कॉपर, मैंगनीज और बोरान रखे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक सेकेंडरी के अंतर्गत सल्फर लिया गया है, ये मिला के 9 हो जाते हैं। और इसके अलावा 3 फिजिकल पैरामीटर्स को इसमें शामिल किया गया है। आइए देखते हैं वो कौन से फिजिकल पैरामीटर्स हैं। मृदा का पीएच का मतलब होता है मृदा में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका पूरा नाम है। ओसी ऑर्गेनिक कार्बन। टोटल मिला के 12 हो जाते हैं। यही 12 पैरामीटर्स हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड पर दिखाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं की सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत जांच होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं। इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 में होती है, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, इंग्लिश में से कहते हैं हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, इसलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी शुरुआत सूरतगढ़ राजस्थान से होती है और सॉइल हेल्थ कार्ड ऐप जो लॉन्च होता है 5 दिसंबर 2017 झज्जर हरियाणा से, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत सूरतगढ़ राजस्थान से होती है, जबकि सॉइल हेल्थ कार्ड जो लॉन्च होता है ऐप 5 दिसंबर 2017 झज्जर हरियाणा से होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी। इसके ऑप्शन हैं ए 1998 से 99, बी 1965 से 66, सी 2015 से 16, डी 2004 से 05। यानी कि 1998-99 में, 1965-66 में, 2015-16 में, 2004-05 में। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 1998-99। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ होती है 1998-1999 में। इसके अंतर्गत कृषकों को बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासमय आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य था कृषकों को कृषि इनपुट
इनपुट हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही था, सहायता प्रदान करना। कृषि इनपुट्स के अंतर्गत जैसे बीज, फर्टिलाइजर, कृषि उपकरण इत्यादि। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे पीएमकेएसवाई भी कहते हैं, कि शुरुआत कब हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं ए 1 जुलाई 2015, बी 1 जनवरी 1965, सी 9 मई 2015, डी 5 मई 2015। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 से होती है, जो कि आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, की स्वीकृति पर इसे स्टार्ट किया गया था। इसके अंतर्गत 2019 और 20 में जो बजट था वो 50,000 करोड़ रुपए निर्धारित निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ट्रिटकेल किसके संकरण का परिणाम है। इसके ऑप्शन हैं ए गेहूं एवं राई, बी गेहूं एवं जई, सी मक्का एवं गेहूं, डी मक्का एवं बाजरा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए गेहूं एवं राई। आइए इसके बारे में जानते हैं। ट्रिटकेल जो है विश्व की प्रथम मानव निर्मित, विश्व की प्रथम मानव निर्मित निर्मित धान्य फसल है। ठीक है, विश्व की प्रथम मानव निर्मित धान्य फसल ट्रिटकेल है, जो गेहूं एवं राई के संकरण का परिणाम है। ये कृषकों के बीच अधिक प्रसिद्ध या प्रचलित क्यों नहीं हो सकी, इसके कई कारण हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं। इसके जो पौधों की लंबाई थी वो बहुत अधिक थी, अधिक लंबाई के कारण इसके पौधे जो होते थे वो वर्षा और आंधी में गिर जाते थे। ठीक है, और दूसरा कारण था इसके जो बीज दिखने में ज्यादा आकर्षक नहीं थे। ठीक है, इसीलिए ये कृषकों के बीच अधिक
प्रचलित या प्रसिद्ध नहीं हो सकी। ये जो ट्रिटिकेल शब्द है, ये ट्रिटिकम गेहूं का बॉटिकल नेम है, ट्रिटिकम स्पीसीज ट्रिटकी प्लस एसिकेल जो कि जाई का बॉटिकल नेम है, इसी से मिलकर क्या बना है, ट्रीट केल। इसका प्रयोग चारे के रूप में, चारे के रूप में बहुतायत मात्रा में किया जाता था, क्योंकि इसमें जो कल्ले निकलते थे वो काफ़ी मात्रा में निकलते थे, यानी कि इसमें जो वानस्पतिक वृद्धि थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसका प्रयोग चारे के रूप में किया जाता था। जो इसका बीज होता था वो गेहूं के दाने के समान होता था, लेकिन आकार जो था इसका सिकुड़ा हुआ था। आकार कैसा था, सिकुड़ा हुआ। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, गेहूं की कौन सी प्रजाति संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं, ए ट्रिटिकम एस्टिवम, बी ट्रिटिकम ड्यूरम, सी ट्रिटिकम डाइकोकम, डी नोरिन टेन। आप लोग बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ए ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे ब्रेड व्हीट अथवा सॉफ्ट व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती संपूर्ण भारत में होती है। जो नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम, इसे माइक्रोनी व्हीट या हार्ड व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त वैरायटी है। ठीक है, ट्रिटिकम ड्यूरम, इसी के द्वारा सूजी इत्यादि बनाया जाता है। नेक्स्ट सी नंबर पर है ट्रिटिकम ड्यूरम, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये दक्षिण भारत में उगाई जाने वाली गेहूं की एक प्रचलित किस्म है। ठीक है, चौथा है नोरिन टेन, आइए नोरिन टेन के बारे में जानते हैं। नोरिन टेन एक बौनी किस्म है, ये गेहूं की एक बौनी किस्म है जो नॉर्मन ई बोरलॉग द्वारा मैक्सिको से निकाली गई है। ठीक है, नोरिन टेन है ये गेहूं की एक बौनी प्रजाति है, जिसे नॉर्मन ई बोरलॉग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, इनके द्वारा ये मैक्सिको से निकाली गई थी।
और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। स्वामीनाथन हैं। विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गेहूँ नहीं उगाया जाता, राज्य है जहाँ पर गेहूँ नहीं उगाया जाता है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर गेहूँ की खेती नहीं की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है? इसके ऑप्शन है ए क्राउन रूट अवस्था, बी टिलरिंग स्टेज, सी लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, डी फ्लावरिंग स्टेज। इसमें एक स्टेज और होती है जिसे मिल्किंग स्टेज भी कहा जाता है। ये गेहूँ की सिंचाई की अवस्थाएं होती हैं, इसमें एक स्टेज होती है मिल्किंग स्टेज, ठीक है, ये दुग्ध बनने की अवस्था होती है, इसमें भी एक गेहूँ की सिंचाई की जाती है। इसके अलावा इसकी सिंचाई होती है क्राउन रूट अवस्था पे, टिलरिंग स्टेज पे, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पे, फ्लावरिंग स्टेज पे। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गेहूँ की सिंचाई की क्रांतिक अवस्था क्या है, तो इसका सही जवाब होगा क्राउन रूट स्टेज। क्या होगा? क्राउन रूट स्टेज, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। ये अवस्था होती है 21st डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि गेहूं के बोने के 21 दिन बाद की अवस्था जो होती है उसी को क्राउन रूट स्टेज या क्राउन रूट अवस्था कहते हैं। इसे हिंदी में ताजमूल अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। ये गेहूं की क्रांतिक अवस्था होती है। अगर जिस क्षेत्र में सिंचाई गेहूं की एकमात्र सिंचाई उपलब्ध है तो इसी स्टेज पर वो की जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए खादर, बी बांगर, सी काली मिट्टी, डी लाल मिट्टी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बांगर। अगर यहाँ पर नई जलोढ़ मृदा पूछी जाती तो इसका ऑप्शन होता खादर जो होती है नई जलोढ़ मृदा होती है, और बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। नई जलोढ़ मृदा यानी खादर ये बहुत उर्वरा मृदा होती है, ठीक है, ये बहुत उपजाऊ मृदा होती है। काली मिट्टी ये कपास के लिए बहुत उपयुक्त मृदा है, ठीक है। लाल मृदा में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य ए महाराष्ट्र है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए एरोपोर्टिक, बी हाइड्रोपोनिक, सी फ्लोरिकल्चर, डी पोमोकल्चर। आइए बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं और इसका सही आंसर भी देखते हैं। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, हवा में पौधों को उगाने की विधि एरोपोर्टिक होती है। इसमें जो पौधे होते हैं ये हवा में उगाए जाते हैं, इनकी जड़ों पर पोषक तत्वों के घोल का स्प्रे किया जाता है। ठीक है, दूसरा है हाइड्रोपोनिक। आइए इसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोपोनिक जो है बिना मृदा के खेती की जाती है, उसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। ये पुष्प उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पोमोकल्चर, यहाँ पे पोमोलॉजी होगा। ठीक है, पोमोलॉजी होती है, ये फलोत्पादन से संबंधित है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, पोमोलॉजी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ग्रीक दूसरा लैटिन। ठीक है, ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि पोमोलॉजी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो एक ग्रीक वर्ड है पोमस, दूसरा लोगोस जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, दोनों से मिलकर बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी के बिना पौधों को उगाना क्या कहलाता है? अभी हमने पीछे देखा था हाइड्रोपोनिक, ये उसी का चित्र है जिसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि बिना मिट्टी के पौधों को कैसे उगाया जाता है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं, इसे हिंदी में जल संवर्धन तकनीक भी कहा जाता है। कुछ लोग हाइड्रोपोनिक की जब बात सुनते हैं तो वो समझते हैं कि इसका मतलब जल में खेती करना होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोपोनिक के अंतर्गत केवल पानी में या बालू में या कंकड़ों के बीच खेती की जाती है, यहाँ पे कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, इसलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सिर्फ मृदा का प्रयोग नहीं होगा, इसके अलावा पानी में या बालू में या कंकड़ किसी पर भी पौधों को उगाया जा सकता है। यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, ये पौधे उगाने की एक ट्रे है जिस पे पौधे लगे हुए हैं, इनकी जड़ें जो होती हैं उस ट्रे में होती हैं, इस ट्रे में
पोषक तत्व भेजने वाले पंप के द्वारा पोषक तत्वों के घोल को भेजा जाता है। जो शेष घोल होता है ये वापसी पाइप के द्वारा पुनः पोषक तत्व घोल के टैंक में आ जाता है। यहाँ पर जो होता है मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, डायरेक्ट जड़ों को क्या दिया जाता है, पोषक तत्व का घोल प्रदान किया जाता है, जिससे पौधों का विकास होता है। ठीक है, इसी को हाइड्रोपोनिक कहा जाता है। यहाँ पर इसे बालू अथवा कंकड़ों के बीच भी इसी तरह से उगाया जाता है। ये खेती हाइड्रोपोनिक खेती जो होती है बिना मृदा के होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग कहीं नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन हैं ए नागपुर, बी इंदौर, सी भोपाल, डी नासिक। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा नागपुर। नागपुर में राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान स्थित है। यहाँ पर एक और भी केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है, कोई बताएगा वो कौन सा केंद्रीय अनुसंधान संस्थान है जो नागपुर में स्थित है। जी हाँ, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है संस्थान, ये भी नागपुर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान संस्थान, दूसरा केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान भी नागपुर में स्थित है। नागपुर जो है संतरे की खेती के लिए पहली पोजीशन रखता है। यहाँ पर संतरे का उत्पादन जो होता है बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, संतरे की खेती यहाँ पर बृहद स्तर पर की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यारवा क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए परागवे में पाई जाने वाली चाय की तरह की झाड़ी, बी अंगूर की विशेष प्रजाति, सी एक विशेष प्रकार की लता, डी अनार के बाग। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ये परागवे में पाई जाने वाली चाय की तरह की एक झाड़ी होती है, जिसे यारवा के नाम से जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं परागवे की। परागवे जो है ये चेक गणराज्य की राजधानी है। किसकी राजधानी? चेक गणराज्य की राजधानी है। ये यूरोप का एक देश है। ठीक है, चेक गणराज्य जो है यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी परागवे है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फजेंडा क्या है। इसके ऑप्शंस हैं ए चाय के बागान, बी अंगूर के बागान, सी कॉफी के बागान, डी आम के बाग। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कॉफी के बागान। कॉफी के बागान को ही फजेंडा कहा जाता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? ब्राज़ील में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। यहाँ पर इसके बागों को फजेंडा कहा जाता है। भारत में अगर बात की जाए तो कॉफी का उत्पादन कर्नाटका में सर्वाधिक होता है। ठीक है, कॉफी के उत्पादन में भारत में कर्नाटका पहले स्थान पर है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब की गई थी।
इसके ऑप्शंस हैं ए 26 मई 2015, बी 28 अगस्त 2014, सी 9 मई 2015, डी 25 दिसंबर 2014। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 26 मई 2015। डीडी किसान चैनल की शुरुआत 26 मई 2015 में होती है। इसके द्वारा कृषकों को नई नई तकनीकी, बीजों, उर्वरक और खेती की नई नई विधियों से परिचित कराया जाता है। इसके अलावा जो है कृषि दर्शन, एक कार्यक्रम आता है कृषि दर्शन जो डीडी नेशनल पे चलता था, कृषि दर्शन, इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1967 में होती है। कृषि दर्शन और डीडी किसान चैनल दोनों के कार्य लगभग एक ही समान है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और बारी बारी से बी, सी और डी के बारे में भी जानते हैं। 28 अगस्त 2014 इस दिन पीएम मोदी के द्वारा जनधन योजना की शुरुआत की जाती है, जनधन योजना, ठीक है। 9 मई 2015 अटल पेंशन योजना की शुरुआत, अटल पेंशन योजना, ठीक है, ये चीज़ आप लोग कहीं पर नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉफ़ी के उत्पादन में भारत का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसके ऑप्शंस हैं ए नीलगिरी की पहाड़ी, बी गंगा का मैदानी क्षेत्र, सी गंगा का तराई क्षेत्र, डी शिवालिक पहाड़ी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ए नीलगिरी की पहाड़ी या कुरुक्षेत्र, इसी के अंतर्गत कर्नाटका आता है, ठीक है, और कर्नाटका में कॉफ़ी का उत्पादन भारत में सर्वाधिक है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका में होता है जो नीलगिरी पहाड़ी कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा से संबंधित है। इसके ऑप्शन है ए चिकनी मृदा, बी चिरनोजम प्रकार की मृदा, सी जलोढ़ मृदा, डी लाल मृदा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा चिरनोजम प्रकार की मृदा, इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, काली मृदा। इसमें जिसका ए सन स्तर होता है, सन स्तर, ठीक है, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, किसकी मात्रा, ह्यूमस, और इसका जो बी संरस्तर होता है इसमें चूना की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ए संरस्तर में ह्यूमस और बी संरस्तर में चूना की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बहुत उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, ये जो है समशीतोष्ण क्षेत्र जो कि उत्तरी अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान है, वहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। दूसरा स्टेप्स जो कि पूर्वी यूरोप, स्टेप्स पूर्वी
यूरोप और मध्य एशिया का क्षेत्र जो है स्टेप्स घास के मैदान पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया, प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, ये गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किस देश का है? इसके ऑप्शंस हैं ए भारत, बी चीन, सी श्रीलंका, डी ब्राज़ील। इसके बारे में अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ब्राज़ील। कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान ब्राज़ील का है, जबकि भारत में कर्नाटका का पहला स्थान है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए चिकनी मृदा, बी चिन्नोजम प्रकार की मृदा, सी काली मृदा, डी लाल मृदा। जी हाँ, इसके यहाँ पर दो सही ऑप्शंस हैं, चिन्नोजम प्रकार की मृदा या काली मृदा, दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है, जो कि उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र तथा पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्टेप्स घास के जो मैदान हैं ये इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट अगले सेशन में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।